वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर के साथ नेमोर की हाइप शुरी के ब्लैक पैंथर से ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए हेलो नर्ड्स, कैसे हो। मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम नेमोर के ओरिजिन और उसके अलग अलग कांड के ऊपर बात करेंगे। नेमोर के ओरिजिन से पहले हमें एटलांटियंस के हिस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा, जिसमें एटलांटिस और डेवियंट्स का किंगडम था जो पहले सरफेस के ऊपर रहता था और उनके बीच बैटल्स भी होती थी। और फिर एक दिन सेलेस्टियल्स वहां आके दोनों किंगडम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण वो दोनों किंगडम्स ओशन के अंदर चले जाते हैं। और कुछ जनरेशन बाद, क्योंकि एटलांटियंस ग्रीक गॉड नेपच्यून को वर्शिप करते हैं जो गॉड ऑफ फ्रेश वाटर है, इसी के वजह से उन्हें अंडर वाटर ब्रीदिंग की पावर्स मिल जाती है, जिससे वो अपना लॉस्ट किंगडम एटलांटिस को फिर से एक्सप्लोर करते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड इन प्रेजेंट MCU, तो नेमोर MCU और कॉमिक्स के दुनिया का फर्स्ट म्यूटेंट है जो एक ह्यूमन एटलांटियन हाइब्रिड है, जिसके फादर लियोनार्ड मैकेंजी एक नॉर्मल ह्यूमन था जब वो वाइब्रेनियम के सर्च में एंटार्क्टिका चले गए एक शिप में, जहां उनकी पहली वाली शिप एंड्यूरेंस खो गई थी रिसर्च के दौरान। फिर कुछ एक्सप्लोजन्स करने के बाद एटलांटियन एम्परर ठेकोर ने उनकी बेटी प्रिंस फेन को सरफेस के ऊपर भेज दिया, पर क्योंकि सरफेस के ऊपर एटलांटियंस की ब्रीदिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसके वजह से प्रिंसेस फेन को एक मैजिकल लिक्विड पीना पड़ता है जिससे वो ओवर द वॉटर भी जिंदा रह सकती है। और क्योंकि एटलांटियन की स्किन ब्लू है, इसके वजह से शिप वाले उन्हें पकड़ लेते हैं, जहाँ फेन और लियोनार्ड प्यार जताते हैं, जिससे फेन प्रेग्नेंट बन जाती है। और फिर बहुत टाइम बाद फिर फेन वापस नीचे एटलांटिस में चली जाती है, एक बेटा होता है उसको और उसका नाम वो नेमोर रखती है, जिसका मीनिंग होता है एटलांटियन लैंग्वेज में अवेंजिंग सन। और क्योंकि नेमोर एम्परर का पोता होता है, इसलिए वो एटलांटिस का भी एम्परर बन जाता है। पर क्योंकि नेमोर ह्यूमन एटलांटियन हाइब्रिड होता है, जिसके वजह से उसकी स्किन नॉर्मल ह्यूमंस के कलर की तरह होती है, वो अंडर वाटर और नॉर्मल सरफेस दोनों पर सांस ले सकता है। और क्योंकि वो एक म्यूटेंट है, जिसके वजह से उसके पैरों के ऊपर विंग्स भी ग्रो हो गई है और वो फाइटर प्लेन से ज्यादा फास्ट भी उड़ सकता है, जो बहुत यूनिक और अनरियलिस्टिक भी लगता है। और उसी का रीजन कॉमिक्स में हमें ये बताया गया है कि सेलेस्टियल्स ने क्योंकि ह्यूमंस और डेवियंट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसका इफेक्ट बहुत सालों बाद नेमोर के अंदर दिख गया है, इसलिए वो बन जाता है MCU और कॉमिक दुनिया का फर्स्ट म्यूटेंट। तो कई सालों बाद नेमोर नॉर्मल सरफेस के ऊपर भी जाता है, वहाँ बहुत सारे कांड भी कर देता है, जिसके वजह से पहले तो वो एक विलन के जैसे सेटअप हुआ था, पर फिर बाद में कैरेक्टर डेवलप करते हुए उसे ह्यूमन टॉर्च के साथ दिखाया गया था। फैंटास्टिक फोर वाले जॉनी भैया तो बाद में आए हैं, उनसे पहले जिम भैया वाले ह्यूमन टॉर्च थे। और कई सालों बाद पता नहीं कहां से नेमोर की याददाश्त खत्म हो जाती है, जिसके वजह से वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह सरफेस के ऊपर रहना चालू कर देता है, जहां फिर फैंटास्टिक फोर वाली स्टोरी चालू होती है, जब जॉनी भैया को पता चलता है इधर देखने लगता है मेरे को, वो अपने फिंगर्स से उसकी दाढ़ी निकाल देते हैं और फिर उन्हें पता चलता है ये तो नेमोर है, तो वो उसे पानी में फेंक देते हैं और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। फिर नेमोर को लगता है उसके मेमोरी के साथ छेड़छाड़ इन लोगों ने ही किया था, जिसके वजह से उन दोनों के बीच में छोटी सी बैटल भी होती है। इसी बीच नेमोर सुजन स्ट्रॉम को पहली नजर में देखकर ही उसे किडनैप कर लेता है और एटलांटिस में ले जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर वहाँ नेमोर और फैंटास्टिक फोर के बीच में लड़ाई भी चालू हो जाती है फिर से, और आखिर में सुजन स्ट्रॉम को उसके दिल के ऊपर पैर रखकर वापस जाना पड़ा। इसने तो हल्क के साथ टीम अप करके एवेंजर्स से भी पंगा लिया था, जिसमें क्योंकि हल्क पलटी मार देता है इसलिए वो फाइट खत्म हो जाती है। और जो अपने कैप्टन अमेरिका थे, जो उनके फर्स्ट मूवी में फ्रीज हो गए थे, उनको भी नेमोर ने ही रिवाइव किया था। जहां लोग कैप्टन की फ्रोजन बॉडी की पूजा कर रहे थे, वहां नेमोर उसी बॉडी को पानी में फेंक देता है। फिर वो बॉडी समुद्र में तैरते हुए अवेंजर्स तक पहुंच जाती है, जहां वो कैप को फिर से रिवाइव कर देते हैं। इसके बाद मैं जो बताऊंगा उसके ऊपर लोग उसके कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर जो है सो है। तो इनकर्जन्स के वक्त नेमोर और थैनोस एक ग्रुप बना देते हैं, जिससे वो अपोजिट अर्थ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें काउंटलेस लाइफ भी मारी जाती है, जिससे नेमोर भी एंटी हीरो टाइप बन जाता है। पर अगर आगे हम कुछ बात करेंगे तो लगता है फाइगी भैया ही हमारा वीडियो डाउन कर देंगे। तो बस ये हुई ओरिजिन्स
आगे आने वाले ब्लैक पैंथर 2 यानी कि वकांडा फॉरएवर में हम कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन देख सकते हैं कि नेमोर की ओरिजिन्स तो कॉमिक्स के जैसे ही है और इस मूवी में कुछ लोग एटलांटिस में वाइब्रेनियम या फिर कुछ एक्सप्लोरेशन करने आ गए होंगे जिसके ऊपर नेमोर उन्हें अटैक कर देता है जो हमने ट्रेलर के एक सीन में देखा था। और फिर क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिसके वजह से वो उन लोगों को वकांडियन से समझ बैठता है और जो उस बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है वही असली सिविल वॉर का जीमो निकलेगा जो आगे जाकर एवेंजर्स के बीच तोड़ देने वाला है। नहीं, मैं कैंग की बात नहीं कर रहा, वो कोई अलग बंदा है जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को अभी तक पता भी चल गया होगा। तो कमेंट्स में बताना कि वो बंदा कौन है और मैं मिलूंगा वकांडा फॉरएवर के एक और वीडियो में क्योंकि नवंबर 11 तक तो हमें बहुत सारा टाइम है थियोरीज बनाने के लिए। तो इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।